नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ छत्तीसगढ़ राउंडअप पे शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि मध्य प्रदेश के धार से आ रही है, जहां गणेश घाट पर एक बड़ा हादसा हुआ। 4 से 5 गाड़ियों में आग लगने की जानकारी मिल रही है। दरअसल इस हादसे में घायलों को धामनोद के शासकीय अस्पताल ले जाया जा रहा है। बड़ी घटना की संभावना, शासन और प्रशासन पूरे अलर्ट पर है। दरअसल घाट उतरते समय गाड़ियों की भिड़ंत हो जाने की वजह से यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। गाड़ियों में आग लग गई, जिसमें 3 ट्रक और 3 कार और 2 बाइक्स भी शामिल हैं। जानकारी मिल रही है धार से, जहां गणेश घाट पर एक बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी अभी मिली है, ये एक बड़ा हादसा जिसमें 4 से 5 गाड़ियों में आग लगने की जानकारी मिली है। सड़क दुर्घटना हुई है और दुर्घटना में यहाँ 3 ट्रक्स में आग लगी है। 3 गाड़ियाँ इस दुर्घटना का शिकार हुई है, जबकि 2 बाइक्स भी इसकी चपेट में आई हैं। कुल 4 से 5 गाड़ियों में आग लगे होने की जानकारी मिल रही है। धार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलें, इस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली है और इन्हें धामनोद के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। और अभी फिलहाल जानकारी जो मिल रही है तात्कालिक आधार पर, उसमें बताया जा रहा है कि घायलों को ले जाया जा रहा है धामनोद शासकीय अस्पताल, और 4 से 5 गाड़ियों में जो आग लगी है उसे बुझाने का प्रयास क्या कुछ चल रहा है, इस पर भी और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं, गणेश घाट पर बड़ा हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। एक दुखद और एक भयावह हादसा यहाँ पर हुआ है। गाड़ियों का दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद आग लगने का मामला इसमें बताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गणेश घाट पर हुए इस हादसे में 4 से 5 गाड़ियां आग की चपेट में आई हैं, और ये सड़क दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में 3 ट्रक्स 3 कार और 2 बाइक्स दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। जिसमें हादसा कैसे हुआ, क्या कुछ इसके बारे में डिटेल्स हैं, नवीन मैहर से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त नवीन मैहर हमारे सहयोगी जुड़ गए। नवीन, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये हमनोद के गणेश घाट पर जो है बड़ा ही भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि एक ट्रक जो है, एक ट्राला है जो है घाट जो है वो उतर रहा था, और इसी दौरान जो है ट्राले के ब्रेक जो है वो फेल हुए, और इस कारण से जो है वो डिवाइडर तोड़ते हुए सामने वाली लेन से जा रहे वाहनों से जा भिड़ा। और इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि एक कार सहित जो है 4 वाहन जो है आपस में भिड़े हैं, और इसके बाद में जो है टक्कर इतनी भीषण थी कि इन 4 वाहनों में जो है अचानक से आग लग गई, जिसके बाद में जो है सामने थाना पुलिस और दमकल जो है वो मौके पर फिलहाल है और आग बुझाने का काम जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल अधिकारी सभी मौके पर है। नवीन, लोगों को भी चोट आई है यहाँ पर? जी हाँ बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो है कुछ लोग जो घायल भी हुए हैं, हालांकि अभी इसमें क्लियर हो नहीं पा रहा है कितने लोग घायल है, लेकिन कुछ लोग जो घायल भी है उन्हें भी जो है वो एम्बुलेंस की सहायता से जो है धामनोद के अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया जा रहा है, और पुलिस जो है, प्रशासन और पूरे जो है मौके पर फिलहाल जो है मौजूद है, और आग बुझाने का काम जो है वो किया जा रहा है। किसी तरह की कोई जनहानि? जी अभी इसमें ये जो है स्थिति जो है पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पा रही है अभी। हाँ। जो है कुछ ही देर में जो है करीब आधे घंटे में जो है पूरा मामला साफ हो पाएगा कि आखिर इसमें क्या हुआ है, हादसे में क्या ट्रेजेडी हुई है। तात्कालिक कारण क्या पता चल पाए, क्या ये ब्रेक फेल होने की वजह से जो हादसा हुआ उस वक्त क्या स्थिति थी, किसी प्रत्यक्षदर्शी से आपकी कोई बातचीत हुई हो? जी हाँ बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि गणेश घाट जो है ये जो है हादसों का घाट जो है पूरी तरीके से बन चुका है। आए दिन जो है यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, और इस वाले हादसे में भी हुआ यही है कि एक ट्राला जो है घाट जो है वो उतर रहा था, और इसी दौरान जो है उसके ब्रेक फेल हुए और वो अनियंत्रित हुआ, और इसके बाद जो है वो डिवाइडर तोड़ते हुए सामने वाली दूसरी लेन में जा घुसा, वो सामने से आ रहे वाहनों से वो जा घुसा। तो इसमें जो है मेन कारण जो यही रहा कि ट्रक के जो है वो ब्रेक फेल हुए हैं, इसी कारण से जो ये पूरा हादसा हो पाया। बिल्कुल, और आग लगने की जो तस्वीरें आपने भेजी वो तस्वीरें भी काफी डरा देने वाली है, दूर तक और लपटे दिखाई दे रहे हैं उठती हुई है। यहाँ पर यातायात भी काफी प्रभावित हो रहा है नवीन? जी हाँ बिल्कुल, ये पूरा रोड जो है एक तरफ से ये पूरा रोड जो है जाम हो चुका है। हालांकि अभी जाम को जो है पूरा पुलिस प्रशासन और जो है सभी लोग अधिकारी जो है जाम खुलवाने में लगे हुए हैं, और कुछ ही देर में जाम जो है खोल दिया जाएगा। गाड़ियां इसमें कौन कौन सी, चूंकि अभी बताया जा रहा है कि 3 ट्रक्स चपेट में आ गए, इसके कुछ कार भी हैं, बाइक वाले भी थे इसमें? जी हाँ बिल्कुल, ये ट्राला जो है अनियंत्रित होकर सामने से आया, और इसमें जो है सामने से आ रहे वाहनों से भिड़ा है। अभी इसमें एक कार की सूचना प्राप्त हो रही है, बाइक भी इसमें एक है जो कि इसमें जो है वो चपेट में आई है, और इसके अलावा जो है एक ट्रक भी इसमें जो है चपेट में आया है। तो कुल 4 वाहन जो है आपस में एक दूसरे से भिड़े हैं, जिसके बाद में इन चारों में आग लगी है, और कुछ ही देर में ये पूरी स्थिति जो है वो क्लियर हो पाएगी। ठीक है नवीन, आप नजर बनाए रखिएगा और आगे आपसे डिटेल्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।
और दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 22 लोग घायल हुए हैं और गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करका पुल के पास यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली में 35 लोग सवार थे और करका से कसौली ये लौट रहे थे मजदूर। काम से वापस लौट रहे मजदूर हादसे का शिकार हुए और 22 लोगों को काफी चोट आई है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली में मजदूर सवार होकर के जा रहे थे, करका पुल के पास ये हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब करीब 35 लोग सवार थे और इस दुर्घटना में उन्हें चोट आई है और अभी क्या स्थिति है इस पर डिटेल्स आगे आप तक और पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से 22 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं और सभी गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 35 लोग सवार थे और करका से कसौली ये सभी मजदूर लौट रहे थे। काम करने के बाद दिन भर की दिहाड़ी खत्म करके वापस लौट रहे थे अपने घरों की ओर। और बात करेंगे हमारे सहयोगी दिनेश गुप्ता, इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, कैसे ये हादसा हुआ, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि मजदूर जब काम से लौट रहे थे, करका ग्राम है जो जनपद पंचायत गीदम के अंतर्गत आता है, करका से जब वापसी हो रही थी तब करका पुल के पास ट्रैक्टर के पलट जाने से 22 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज दंतेवाड़ा और गीदम में हॉस्पिटल में जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मजदूर जब काम से लौट रहे थे, इनका घर कसौली था जो विधायक का गृह ग्राम होता है आज की डेट में, तो ये जब वापसी आ रहे थे और ट्रैक्टर में 35 लोग सवार थे और जब वो ट्रैक्टर वहां से निकली और करका पुल के पास पहुंची और वहां दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 22 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। कारण क्या रहा दिनेश, हादसा कैसे हुआ? हादसा की बात करें तो ये नक्सल इफेक्टेड एरिया, यहाँ पर आवागमन के साधन नहीं होते और मजदूरों को ट्रैक्टर का सहारा लेना होता है, क्योंकि मजदूर दिहाड़ी करने जब जाते हैं तो ट्रैक्टर के ही भरोसे वहां से उनकी वापसी होती है। इस दरमियान जब वो करका पुल के पास पहुंचे तो ऐसा बताया जा रहा है कि ज्यादा लोड होने से और थोड़ा सा अनियंत्रित होने से ट्रैक्टर पलट गया। और जो मजदूर हैं ये कहाँ के हैं और क्या अभी इनकी स्थिति बनी हुई है, इलाज के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? मैं आपके आपके पास आऊंगा दिनेश। तस्वीरें इस बीच कुछ आ गई हैं, वो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा दें। ये तस्वीरें देखिए, जब मजदूरों को घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है। दंतेवाड़ा से सामने आई तस्वीर हादसे की और दिनेश हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। दिनेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? 22 लोग बताए जा रहे हैं जिनको चोट आई है, कितनी महिलाएं कितने पुरुष, इसके बारे में भी कोई डिटेल है क्या अपने पास? जी, मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे ही दुर्घटना हुआ वहां पर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस गीदम के पुलिस प्रभारी जो हैं वो भी घटना स्थल पर के लिए निकले, लेकिन वहां से 108 की मदद से जब उनको लाया। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया। और बढ़ते आगे, और राजनांदगांव जिले में किसानों के खाते में बोनस राशि ट्रांसफर की गई और इसके बाद किसानों ने राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों के खाते में बोनस की राशि ट्रांसफर कर दी है। बता दें कि किसान संघ बोनस की मांग को लेकर 8 साल से संघर्ष कर रहा था। अपने वादे को पूरा करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर किसानों के खाते में बकाया राशि का बोनस डाला। पूरे प्रदेश का 3,700 करोड़ का, तो ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं, हमारे स्वाभिमान का मामला है। पैसे का अगर हम हिसाब लगाएंगे तो 300 रुपये का 8 सालों में कितना अवमूल्यन हो जाता है। मुद्रा स्फीति के हिसाब से भी आप चलें तो आज उसकी जो कीमत है लगभग आधी हो गई है। लेकिन ये पैसे का मामला नहीं है, ये किसानों के स्वाभिमान का मामला है। बलरामपुर जिले में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के किसानों को अपने चुनावी घोषणा पत्र के वायदे के मुताबिक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 साल का बोनस राशि दिया और 24,000 किसानों को करीब 45 करोड़ रुपए की बोनस राशि दी गई। धान का बकाया बोनस मिलने से किसानों के चेहरे खिल उठे, किसान खुश नजर आए। किसानों का कहना था कि उन्होंने बोनस की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही उनको बकाया राशि का बोनस दिया गया है और अब वो उनकी काम आएगी। बीजेपी सरकार बनने के बाद जो है हम लोग को जो है बोनस दिया जा रहा है 15-16 का, बहुत खुशी का बात है और हम लोग सब दिन जो है उसका काम करते हैं।
आज जो है वो 25 दिसंबर सुशासन दिवस के अवसर पर शासन की ओर से जो है जिला बलरामपुर रामानुजगंज में 24,000 किसानों के खाते में लगभग 45 करोड़ की राशि का जो है वो आज हस्तांतरण किया गया है। ये 2014-15 और 15-16 के जो है वो बोनस की राशि थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद उनके राज मुकुट में लगा नायाब कोहिनूर हीरा एक बार फिर चर्चाओं में है और इस नायाब हीरे का छत्तीसगढ़ के बस्तर से खास कनेक्शन है। एक रिपोर्ट। कोहिनूर हीरा, जिसे विश्व भर में सबसे खास रत्न का दर्जा मिला हुआ है, इस हीरे की कीमत भी हजारों करोड़ रुपए में है और इसे पाने के लिए कई रियासतों के राजाओं में होड़ भी मची है, लेकिन आंखें चौंधिया देने वाली अपनी चमक और अलौकिक बनावट के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध नायाब कोहिनूर हीरा अब ब्रिटेन राज परिवार के पास है। ये नायाब रत्न कई मौतों की वजह भी रहा। ऐसे में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका छत्तीसगढ़ के बस्तर से खास कनेक्शन रहा है। दावा किया जा रहा है कि 8000 किलोमीटर दूर ब्रिटेन के लंदन में मौजूद इस हीरे के असल मालिक बस्तर काकती राज परिवार के पूर्वज रहे हैं। दरअसल मूल रूप से कोहिनूर हीरा तेलंगाना के गोलकुंडा में खुदाई के दौरान मिला था। तेलंगाना का वारंगल राज्य चालुक्य काकती वंश के आधिपत्य का राज्य रहा है। 1303 में खिलजी सल्तनत के अधीन कोहिनूर हीरा हो गया था। बाद में इसे ब्रिटिश सत्ता को सौंप दिया गया था और ब्रिटेन के राज मुकुट में इस नायाब हीरे को जड़ दिया गया। इसी आधार पर हीरे पर अपना मालिकाना हक काकती वंश जता रहा है। उनका पास होती तो मैं बहुत छोटा बच्चा था, तो बोलते थे हीरा आपका है, आपको लेटर लिखना चाहिए, कागज बनाना चाहिए, मेरे पास पूरा इतिहास है। तो इत्तेफाक से उनका पूरा कागज तो मुझे दे दिए, पर मैं हम लिख नहीं पाए थे। तो धीरे धीरे अब मेरे को समझ में आया कि नहीं भाई, हम काकतीय वंशज। हमने उसको जब रिसर्च करना चालू किया तो पता चला कि नहीं, वो हीरा जो है वो काकतीय वंशज है और गोलकुंडा माइन से ही निकाला गया वो हीरा था। उसका हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचे और प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति जी के हाथ में है कि किस तरीके से उसे आगे लेकर के जाएंगे। इस नायाब हीरे को वापस भारत लाने को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज परिवार ने चर्चा भी की थी। बीते समय पीएम के बस्तर दौरे पर राज परिवार के सदस्यों ने हीरे को लेकर पूरा इतिहास भी बताया था और मिले दस्तावेजों के आधार पर अब इसे वापस लाने के लिए जोर लगाना भी शुरू कर दिया था। वहीं बातचीत में बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव ने कहा कि भारत की ऐसे कई बहुमूल्य चीजें हैं जो भारत में नहीं है, उसी में से एक कोहिनूर हीरा भी है और इसे लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और प्रदेश के मुख्यमंत्री से लगातार बस्तर राज परिवार चर्चा कर रहा है और इसे भारत के म्यूजियम में सुरक्षित रखा जाए, साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी ये जानकारी मिल सके कि ये नायाब हीरा भारत और बस्तर की पहचान है। सबसे कीमती हीरा है जो कि हमारे देश में उस समय मिलाया गया था जिस समय भारत देश डेमोक्रेटिक नहीं था, राजशाही थी। उस समय काकतीय वंशज के पास ये हीरा था और पहले काकतीय वंशज के राजाओं के पास था, उसके बाद ये चला गया जो हमारे माँ है जो हम भद्रकाली के नाम से जानते हैं, उनके मुकुट में रखा गया और राजा का ये एसेट था जो उनको रखा गया था, तो वहाँ से ये चोरी होकर के पटियाला हिजाइनेस के पास चला गया। उसके बाद से ये हीरा पहुँच गया लंदन, इंग्लैंड पहुँच गया। आज वो हीरा जो है वो क्वीन के क्राउन में है, जिसको हम वहाँ का ताज कहते हैं, ताज में लगा हुआ है और उसको हम लाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये बेशुमार जो हीरा है ये बस्तर रियासत से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार लगातार ब्रिटेन से इसे वापस देने की मांग कर रही है। भारत ही नहीं, इस हीरे पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान भी अपना दावा कर रहे हैं। फिलहाल मोदी सरकार भी इस हीरे को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि दुनिया का नायाब हीरा कोहिनूर वापस अपनी धरती भारत आ पाएगा या नहीं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18, बस्तर। और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रियों को कल उनके विभाग आवंटित किए जा सकते हैं। दरअसल विभागों का बंटवारा किया जाना अभी बाकी है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है और मंत्रिमंडल गठन के बाद ये पहली बैठक होगी जिसके बाद विभागों का बंटवारा किया जाना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये बैठक बुलाई है
और आपको बताते चलें कि जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें अभी विभागों का आवंटन होना बाकी है, विभागों का बंटवारा किया जाना बाकी है और कल विभागों का बंटवारा होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक बुलाई है, कल विभागों का बंटवारा हो सकता है। जानकारी आपको बता दें कि करीब जो 28 मंत्री बनाए गए हैं जिसमें राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, महिलाएं और कैबिनेट मंत्री दर्जा, उन्हें विभागों का अभी आवंटन किया जाना बाकी है। आज ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और अब कल सुबह 11 बजे मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई है और संभव है कि कल विभागों का बंटवारा हो सकता है। मंत्रिमंडल के गठन के बाद पहली बैठक ये कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की होगी और भोपाल से मिल रही जानकारी, मंत्रियों को विभागों का आवंटन किया जा सकता है। कल किस मंत्री को किस विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी ये देखने का विषय होगा। आज शपथ ग्रहण हुआ है और कल सुबह 11 बजे मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। शपथ ग्रहण के बाद ये पहली बैठक है कैबिनेट की जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि संभवतः विभागों का आवंटन हो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल ये बैठक लेंगे और इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री पहुंचेंगे और उन्हें विभागों का आवंटन किया जा सकता है। विभाग किस मंत्री को क्या विभाग दिया जाएगा ये देखने का विषय होगा। मंत्रिमंडल गठन के बाद कल होने वाली पहली बैठक में, जो कि 11 बजे बुलाई गई है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल इस बैठक में मौजूद होंगे। और बढ़ते आगे, कवर्धा पुलिस ने मानव तस्करी मामले में पीड़ित की चचेरी बहन को गिरफ्तार कर लिया। मामले में अभी भी दो आरोपियों की तलाश की जा रही है। दोनों आरोपियों का नाम सन्नी सूर्या और उसके पिता का नाम जय भगवान सूर्या बताया जा रहा है। ये दोनों हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले हैं और आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम दिल्ली हरियाणा रवाना हो चुकी है और जल्द ही आरोपी बाप बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि चचेरी बहन ने पीड़िता को दिल्ली में रहने वाले सन्नी सूर्या को बेच दिया था जहां उसका शोषण हुआ। कोरबा में ठंड का कहर जारी है, पारा 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में कोरबा में लोगों को ठंड से बचाने के लिए शासन ने क्या कुछ व्यवस्था की है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। 20-40 जी रुक जाते हैं, कम्बल वो सब खरीद देते हैं। कितने लोग मरीज डेली यहाँ आते हैं अस्पताल में इलाज कराने और जो रुकते हैं? अच्छा, डेली लगभग वही 30-35-40 जी हो जाते हैं, आ जाते हैं। कोरबा में सर्दी का सितम जारी है, ऐसे में न्यूज 18 की टीम ने जायजा लिया है नया बस स्टैंड का, जहां पर रैन बसेरा की स्थिति खराब मिली और वो बंद मिला। वहीं अलाव की बात की जाए तो चौक चौराहे में और अलाव तो निगम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जरूर जलाया जा रहा है ताकि लोगों को, यात्रियों को ठंड से बचाया जा सके। वहीं रेलवे स्टेशन में जो लोग हैं वो ठंडे फर्श में सोने को मजबूर हैं। साथ ही रैन बसेरा की मांग रेलवे स्टेशन के पास लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक रैन बसेरा रेलवे स्टेशन के करीब नहीं बन सका। वहीं जिला अस्पताल की बात करें तो जिला अस्पताल का जायजा लेने पर पता लगा कि रैन बसेरा जो है अस्पताल के परिसर के अंदर, वहां व्यवस्था ठीक दिखाई दे रही है, जिससे यहां के मरीजों को ठंड से, मरीजों को और उनके परिजनों को यहां रहने की व्यवस्था अच्छी दिखाई दे रही है। अब्दुल असलम, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और बढ़ते हैं आगे, अब दिखाते हैं खबरें टॉप 20।